दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। इसे देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भक्तों के लिए धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। इस दौरान उन्हें कोविड के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का सख्ती से पालन करना होगा। आपको बताएं, इस संबंध में DDMA ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को विजिटर्स और भक्तों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी, बिशर्ते कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी SOP का और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया जाए। इसमें आगे कहा गया है कि यह आदेश 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा। आपको बताएं, दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण धार्मिक स्थल 19 अप्रैल से पिछले 5 महीने से अधिक समय से भक्तों के लिए बंद हैं। अब DDMA ने धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दे दी है, लेकिन आदेश में बड़ी सभाओं पर रोक लगाई हुई है। आदेश के अनुसार आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।